हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे जो पेंडिंग आईपीओज हैं उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, प्लस यहां पे देखेंगे क्या हो सकता है। जैसे कि आज कार्ट्रेड ने एकदम से हालत ही ख़राब कर दी, 1500 की क्लोजिंग दी है भाई, 1600 पे ओपन हुआ था, यहां पे 1618 रुपये इसका ऑफर प्राइस था, उससे 18 रुपये नीचे इसने लिस्टिंग दिखाई है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे भाई फॉल देखने को मिला है और क्लोजिंग तो इसने 1500 रुपये दी है, तो इसका असर सीधे सीधे मार्केट पे देखने को मिल रहा है हमें, चाहे वो आईपीओ मार्केट हो या फिर ग्रे मार्केट हो। तो यहाँ पे आने वाले आईपीओ से भी इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट यहाँ आपको सीधे सीधे ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिखता हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देखना है हमें अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिनको आईपीओ मिल चुका है। कुछ कर तो सकते नहीं है, कर सकते हैं कि या तो होल्ड करेंगे या तो फिर लॉस लेके निकलेंगे, या लिस्टिंग इन मिलेगी तो लिस्टिंग इन लेके निकलेंगे। तो यहाँ पे गाइस उसके बारे में बात करेंगे और आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊंगा। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस यहाँ पे पहला आईपीओ चैम्प्लास सनमार के बारे में बात कर लेते हैं। चैम्प्लास सनमार गाइस अगर जो कल की बात करूँ यानी कि 19 की, तो 20 से 24 रुपये निकल के आ रहा था, फिर दोबारा जब मैंने अपडेट किया तो 20 से 22 रुपये निकल के आ रहा था शाम को, और अभी देख सकते हैं चैम्प्लास सनमार जीरो हुआ पड़ा है। यहाँ पे जो लिस्टिंग कार्ट्रेड की हुई है उसने पूरी तरह से एकदम से ट्रेड रोक दिया है भाई, और यहाँ पे जीरो हुआ पड़ा है। आपको ये भी हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, फिलहाल तो 90% चांसेस हैं कि ये भी आपको नीचे लिस्ट होता हुआ दिखे। अब गाइस यहाँ पे नोवेको विस्टा की बात कर लूँ, तो जैसा कि आपको पता चल चुकी होगी न्यूज़ की, यहाँ पे सामने आ रही कि चेन्नई कैटेगरी में राकेश झुंझुनवाला जी ने पैसा लगाया है और उनको अलॉटमेंट भी मिला है। तो यहाँ पे उसकी वजह से राकेश झुंझुनवाला इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे डिमांड निकलती हुई दिख रही है, और सारा कुछ नेगेटिव होने के बाद भी यहाँ पे 2 रुपये इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में पर शेयर डिमांड निकल के आ रहा है। अगर जो एक लॉट की बात करें तो यहाँ पे एक लॉट में आपको 26 शेयर मिलने वाले हैं, इस हिसाब से आपको 52 रुपये लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो भाई कल तक आपको मैं बता दूँ कि कार्ट्रेड में भी हमें अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से निकलता हुआ दिख रहा था, पर भाई वो भी आज 18 रुपये डिस्काउंट पे ही लिस्ट हुआ है। अब गाइस एप्टोस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बुरी हालत है, -2 चल रहा है। एक दो दिन पहले आपने देखा था कि नोवेको विस्टा के साथ था -2 पे, अभी -2 पे ट्रेड कर रहा है। अगर जो एक लॉट की बात करूँ तो भाई डिस्काउंट में पूरा लॉट मिल रहा है आपको, 84 रुपये डिस्काउंट में लोग खरीदने को रेडी हैं और बेचने वाले भी तैयार बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे -2 ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। अगर जो गाइस यहाँ पे एमी ऑर्गेनिक की बात करूँ तो अभी कोई भी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के नहीं आ रहा है, आपको लोग 200 बता रहे हैं, 250 बता रहे हैं, गलत है, क्योंकि जो डेट है, जो सारी चीज़ें हैं अभी वो टेंटेटिव है। डेट सिर्फ यहाँ पे कंफर्म है, ऑफर प्राइस टेंटेटिव है, लॉट का साइज टेंटेटिव है, तो जो हमें पता ही नहीं किस रेट पे हमें बेचना खरीदना है, तो हम ग्रे मार्केट प्रीमियम उस पर क्या निकाल सकते। तो यहाँ पे गाइस ये न्यूज़ फेक है कि एमआई ऑर्गेनिक का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है। गाइज यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि आप तो उस वैल्यू भी क्या डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। गाइज अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो डिस्काउंट पे लिस्ट होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप कर क्या सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अच्छा हो। जैसे कि यहाँ पे कई सारे रीजंस थे, मैंने कल रात को भी आपको लिस्टिंग स्ट्रेटजी वीडियो दी थी कार्ट्रेड की, और मॉर्निंग में भी अपलोड करी थी। ये दोनों टाइम में अलग अलग अपलोड करने का रीज़न ये था कि भाई रात को जो न्यूज़ थी वो सुबह नहीं थी, पर यहाँ पे वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। पूरे मार्केट की एनालिसिस आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जितने भी कार्ट्रेड का एनालिस्ट किया था, चाहे वो यूट्यूबर्स हों चाहे वो एनालिस्ट हों मार्केट के सब यहाँ पे धरे के धरे रह गए, सारा का सारा यहाँ पे बेकार हो गया, किसी की एनालिसिस काम नहीं आई। तो कई बार ऐसे रीजंस या फिर ऐसे फॉल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। भाई मार्केट है, मार्केट ही सुपीरियर है। यहाँ पे अगर जो प्रेडिक्शन सबकी एक साथ गलत निकल रही है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है जो कि हो जाती है, और मार्केट हमेशा आपके मेरे हिसाब से नहीं चलती है। टेलीग्राम पे आपको मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, आज जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे, कहाँ पे बाई करना है कॉट ट्रेड, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ से आपको फ़ायदा निकालना है, सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा था। और गाइज यहाँ देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी अगर जो कोई चेंजेस होता है तो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ग्रे मार्केट प्रीमियम वीडियो में, जैसे कि ये वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें, जरूर बता देता हूँ अगर जो कोई चेंजेस होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन हमेशा चेक करना चाहिए किसी भी वीडियो का, अगर जो मैंने बोला है कमेंट सेक्शन चेक करना है, तो कुछ भी अपडेट उसमें होती है तो मैं अपडेट जरूर करता हूँ कमेंट सेक्शन में। प्लस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में ही नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको शॉर्ट्स कॉल, इंटरडे कॉल और सारी अपडेटेड न्यूज़ प्लस जितनी भी हेल्प हमसे हो पाती है वो हम करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको हमसे जुड़ना है किसी भी तरीके से, आपके लिए ये बेस्ट होने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें गाइज। तो यहाँ पे गाइज घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, आपके पास शेयर्स हैं, अभी आपको बस एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए। तो 23 को जैसे कि नोवेको की लिस्टिंग है उसके एक दिन पहले, ठीक है, एप्टस की लिस्टिंग के एक दिन पहले और चैम्प्लास की लिस्टिंग के बस एक दिन पहले मैं आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बताऊंगा। प्रेडिक्शन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पे जो तरीका होता है
बताने का, जो हमें करना होता है वो चीज़ें सही आपको पता चलेंगी, वो एकदम परफेक्ट पता चलेंगी और वो आपके काम आती हैं। ये चीज़ कार ट्रेड वाली वीडियो में भी हुई है, प्रेडिक्शन गलत पड़ गई थी कि कहाँ पे लिस्टिंग होनी है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपके लिए 80-90% सही निकली थी और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो गाइस बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाना है, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगे। सो गाइस अब यहाँ पे वीडियो करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।